हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। गला खराब है नींबू पानी पीने की वजह से, ऐसा मम्मी कह रही है, बट आई डोंट नो, थोड़ा सा गला एक्चुअली मेरा खराब है, तो आवाज़ भी थोड़ी अलग ही आएगी आपको। ओके, तो ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हम में से जो भी मेकअप लवर है या फिर जो भी यू नो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग, मेकअप, स्किन केयर, परफ्यूम्स वगैरह लेते हैं रिव्यूज़ पढ़ के, पढ़ के वो एक्चुअली में अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगे, नो मैटर व्हाट स्किन टोन यू हैव, नो मैटर व्हाट स्किन कलर यू हैव, और कुछ भी बहुत सारी। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पक्का पक्का आपको पसंद आएंगे, जो आपके लिए वर्क करेंगे 110%। ये कहीं से भी यू नो स्पेसिफिक ब्रांड के लिए टारगेटेड नहीं है या फिर पेड या स्पॉन्सरशिप नहीं है। सो मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं काफ़ी टाइम से एंड सम ऑफ आर माई नो बेस्ट प्रोडक्ट्स, आप ये समझ लो। तो बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो नहीं करते हैं, बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेकअप ही मेकअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारी सेल्स भी आएंगी, आप शॉप भी करोगे, तो क्यों ना वो प्रोडक्ट्स आपके साथ सजेस्ट किए जाएं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ओके, सो यहाँ पे है मेरे पास, सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करें, मॉइस्चराइजर। तो मैं अपनी 90% वीडियोज़ में, 70% 50% आप बोल सकते हो, मैं ये न्यूट्रीडर्म का वाइटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करती हूँ, जस्ट बिकॉज ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करता है। मैंने कहा था कोई भी स्किन टोन, कोई भी स्किन टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं, आपकी स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बहुत अच्छे से सूट करेगा, रिपेयर्स करेगा, सूट करेगा। ये यू नो हाइड्रेशन देता है, आपकी सेलुलर इंटीग्रिटी को डैमेज नहीं करता, लेकिन यू नो मॉइस्चराइजर ये आपके सेल डैमेज नहीं करता। एंटी ऑक्सीडेंट है इसके अंदर, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल टू ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, आपको एक्नेस कहाँ से एरिडमा है तो उसके अपेयरेंस को भी दूर करता है, स्ट्रेच मार्क को। तो दिस इज सो सो गुड यू गाइज, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। तो ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाता है इस तरीके का कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मॉइस्चराइजर, बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फेस शॉप का वाइट सीड ब्राइटनिंग सीरम, ये मॉइस्चराइजर कम सीरम है, सो ये आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। यू नो आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन अगर टाइम टू टाइम यू नो अपर लेयर डार्क हो जाती है तो उसको हटाने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ ब्यूटिफुल ब्राइट लुकिंग स्किन, ग्लोइंग एंड हाइड्रेशन तो ये देता ही देता है। सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड जो है वो एक सनस्क्रीन है। सो गाइज, आई लव डर्माको का सनस्क्रीन, आई लव वाओ का सनस्क्रीन, बहुत सारे सनस्क्रीन मुझे पसंद है, बट ये वाला जो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन कम टिंटेड क्रम मुझे ज़्यादा लगता है, मतलब ये स्किन को इवन आउट इंस्टेंटली कर देता है। इसके अंदर कोई व्हाइट कलर का कास्ट है, नो आइडिया व्हाट। सो ये है इनिसफ्री की डेली यूवी प्रोटेक्शन नो सीबम सनस्क्रीन, ये SPF 35 है, मेरे पास दो हैं SPF 50 एंड 35, मैं दोनों यूज़ करती हूँ, PA++++, आई जस्ट लव इनिसफ्री की सनस्क्रीन, जस्ट बिकॉज ये सनस्क्रीन का काम तो करती है एंड एट द सेम टाइम ये आपको बीबी क्रीम वाला लुक भी दे देती है, सो दैट्स वाई आई लाइक इट। सो आप इनिसफ्री की सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो डाउट यू विल लव इट। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, ये मेरा रीसेंट फेवरेट है, सो आई थॉट कि आपको काम करेगा नो मैटर क्या चीज़ है, क्या करना है क्या नहीं। सो ये एक्चुअली आपका नेल रिमूवर है, नेल लाइकर रिमूवर है, ब्लूबेरी वोडका 2। सो मैंने रीसेंट आई थिंक पर्पलिश है, रीसेंट पर्पल हमें दिखाया था, डुअल टोन है, ऊपर डार्क पर्पल है, नीचे पिंकिश पर्पल है, लव इट। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आपको पोर करना है, नेल पेन रिमूव हो जाता है इससे बहुत अच्छे से, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नेल पेंट लगाने के शौकीन होते हैं, मैं उनमें से एक नहीं हूँ, नेल एक्सटेंशन वगैरह मैं करा लेती थी और मैंने एक साल से भी कोई नेल एक्सटेंशन नहीं कराया, वेरी सून डेफिनेटली मैं कराऊंगी क्योंकि मुझे ज़रूरत होगी अगर वेडिंग सीजन के लिए, तो गले का सच में बहुत बुरा हाल हुआ है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीलर। ऑल राइट यू गाइज, हाईली हाईली रिकमेंड, एवरी टाइम नो लाई नो झूठ नो सब कुछ व्हाटएवर। सो ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, 150 से लेके 200-250 रुपीज़ में मिल जाता है, डिपेंड्स कहाँ से आप ले रहे हो, क्या डील चल रही है, क्या ऑफर चल रहा है, लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल है। दिस इज़ सो गुड, लाइक हाई एंड ब्रांड के कंपेरिजन में दिस इज़ सो गुड।
क्या ब्लेंड होता है, मक्खन कवरेज, मक्खन स्मूथ कर देता है, एकदम फ्लॉलेस बेस देता है, अंडर आइज लाइक फ्लॉलेस लगती है। मैंने अभी लगाया हुआ है, सिर्फ अंडर आइज पे, मैंने स्पॉट्स वगैरह पे कहीं पे नहीं लगाया, उसको भी कवर करता है ये, पर आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो लिंक, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो प्लीज चेक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक आपको ऑप्शन दे रही हूँ, वैसे ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है, मिलानी का कंसीलर है। अभी मैंने शेड लिया है 125, पहले मेरा शेड था मीडियम लाइट नेचुरल है ये। दिस इज सो गुड यू गाइज। अगर कंपेरिजन में बात करी जाए तो दोनों ही बहुत अच्छे कंसीलर हैं, बट ये आपको 200 के आसपास मिल जाता है और ये आपको अराउंड 1200 के आसपास मिलता है। सो आई थिंक मैं, या 1250 का, सो मैं इसको बोलूँगी प्लीज़ ट्राई दिस वन, यू विल लव इट। मैं ऑप्शनल रख रही हूँ, ऑप्शंस दे रही हूँ, जो आपके बजट में सूट करता है वो ही लें। सो या नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास फाउंडेशन, ये है लॉरियल का 24 आवर, अप टू 24 आवर फाउंडेशन इनफॉलेबल प्रो मैट। मेरा शेड है 105 प्रो मैट, आई थिंक दिस इज अ गुड मैच। सो इसको मैंने ट्राई किया हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम अगर ब्राइडल के लिए ले रहे हैं या कुछ भी, मतलब किट बनाने के लिए, तो हम ट्राई करें, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये लॉन्ग लास्ट करता है और वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, फुल कवरेज, काइंड ऑफ अ फुल कवरेज देता है, एंड ये छोटा ट्यूब टाइप है, तो ये आपको अफोर्डेबल में भी मिल जाएगा आई गेस। 30 ml है, 750 rupees, या बॉटल वाला जो है वो अराउंड 1400 का है, तो उसका हाफ है। ऑल डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं हर टाइम, एक अच्छी सेल चल रही होती है, जहाँ से भी बात करते हैं तो वैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ब्लू लाइनर के फैन हैं, आई नो बहुत सारे लोगों को कलरफुल लाइनर लगाने का शौक होता है, मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था, अभी तो मुझे लाइनर लगाने का शौक नहीं है, आई एम मस्कारा पर्सन राइट नाउ, बट अभी तो मैंने पतला सा विंग लाइनर लगाया हुआ है, कौन सा वो मैं भी बताऊंगी। सो आप प्लीज़ ये वाला ट्राई करके देखें, ये है NYV का एलिज आईलाइन आईलाइनर। गाइज इसका ब्लू लाइनर, इसका ग्रीन लाइनर नहीं ट्राई किया तो प्लीज़ ट्राई, हाँ बहुत अच्छा है। मैं प्लीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी चीज़ ट्राई करके देखें एक अच्छे प्राइस रेंज में। बहुत सस्ता है, 150 का आता है समथिंग कुछ, और इतना प्यारा लॉन्ग लास्ट वाटरप्रूफ मज़े का ब्लू लाइनर है, आंखों में एकदम मस्त लगेगा, तो प्लीज़ ट्राई करें। हाँ नेक्स्ट है आईलाइनर की बारी, तो इस टाइम मैंने लगाया हुआ है ये वाला आईलाइनर। इसका पैकेजिंग देखिए बहुत अच्छी है, ये वाला इस तरीके से टिप इसलिए ताकि आप इस तरीके से विंग लाइनर ड्रॉ कर पाए, लाइक ऐसे करके ऐसे विंग लाइनर, और इसकी टिप देख लो यार, मतलब जितना भी पतला लाइनर आपको ड्रॉ करना है उतना पतला लाइनर, ये ड्राई नहीं होता, ये लॉरियल पेरिस का फ्लैश कैडा है, मस्कारा है। ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड। आई नो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, बट टोटली वर्थ बाइंग आईलाइनर है, पेन आईलाइनर है, बहुत टाइम तक चलता है, प्लीज डू ट्राई दिस वन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइलाइटर की, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट रहता है मेकअप में, अभी भी मैंने लगाया हुआ है, बट मैंने अभी लिक्विड इल्यूमिनेटर लगाया है, लिक्विड हाइलाइटर, और वो कोई और नहीं, स्विस ब्यूटी का है। गाइज स्विस ब्यूटी एक बहुत अच्छा मेकअप ब्रांड है, अगर हम इंडियन ड्रग स्टोर में बात करें या लोकल ब्रांड्स में बात करें, आई थिंक दिस इज सो गुड। आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, इतना अच्छा प्राइस रेंज होता है इसका, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आई थिंक ये एक अच्छा रेटेड ब्रांड होना चाहिए, आई फील इट। सो ये है पर्ल इल्यूमिनेटर और मेकअप बेस, ये मैं गोल्डन वाला यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं गोल्डन की फ़ैन हूँ, इसमें गोल्डन पिंक शीन आती है, इसलिए मैं इसकी फ़ैन हूँ, गोल्डन की फ़ैन नहीं हूँ, और ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है। अगर मुझसे पूछा जाए कि कोई भी आप ऐसा सजेस्ट कर दो, साइमा को ऐसा सजेस्ट कर दो लिक्विड इल्यूमिनेटर, सबसे पहले इसका नाम आएगा, एंड देन उसके बाद आई थिंक मैं मैक का लूँगी, एंड उसके बाद शुगर का लूँगी रिसेंट में, एंड आई थिंक स्विस ब्यूटी का दूसरा वाला है जो सिल्वर पिंक है वो भी बहुत प्यारा है, वो वाटल है, ये आपको 250 के आसपास मिल जाता है, 199। प्लीज़ ट्राई करो यार, बहुत अच्छा लगेगा, जिन्होंने ट्राई किया होगा उन्हें पता ही होगा। आप इसे विदाउट फाउंडेशन मिक्स करके भी एवरीडे में लगा सकते हो, लाइक मी, मैं विदाउट फाउंडेशन लगा लेती हूँ। नेक्स्ट इज अ पाउडर या पैन हाइलाइटर, जो कि मेबलिन का मास्टर क्रोम, बट मुझे मोल्टन गोल्ड से ज़्यादा पसंद है, मोल्टन रोज गोल्ड माई फेवरेट शेड। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल गाइस, ट्रस्ट मी, इतना माइल्ड हाइलाइटर है ना, कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है, कुछ स्पार्कली नहीं है, एक बहुत ही प्यारा ग्लो देने के लिए अच्छा है, बट जितना ज़्यादा डीपर स्किन टोन हो गया उतना आप पे थोड़ा सा ये वॉश ऑफ करेगा, जितना पेलर होगा लाइक मेरी स्किन टोन या इससे भी ब्राइट या फिर और ब्राइट, उन पर ये बहुत प्यारा लगेगा।
और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 450-500 में मिल जाता है। इतने 450 का तो है ही, 400-450 में ऑफर प्राइस में मिल जाता है, 10-20% हमेशा ऑफ मिल रहा होता है आपको। नेक्स्ट जो है वो मेबिलिन का प्रोडक्ट है और ये मेबिलिन का लूज पाउडर है, वन ऑफ माई फेवरेट लूज पाउडर, हाईली रिकमेंड। इसकी और तारीफ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इतना पता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट लूज पाउडर मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। बस नो वजा, डू ट्राई दिस वन एज वेल। अगर आप लूज पाउडर में ट्राई करना चाहते हैं, बेकिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मेकअप बहुत स्मूथ लगे, आपके पोर्स वगैरह बहुत, कई बार लूज पाउडर्स होते हैं जो आपके पोर्स में बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं, पैच देते हैं, बट ये ऐसा नहीं करता, ये बहुत अच्छा है, सो गुड सो गुड। नेक्स्ट आई एम मस्कारा, आई एम मस्कारा फैन, ऑलरेडी टोल्ड यू। विंग लाइनर तो बहुत ही कम लगाती हूँ, बट लगाने लगी हूँ कभी कभी, मूडी, आई एम मूडी। तो आप ये मस्कारा ट्राई कर सकते हैं, ये एक्सपेंसिव है, ये स्मॉल है और ये मैक का है, एक्स्ट्रा या इंटेंस डायमेंशन 3D ब्लैक लैश मस्कारा, 1000 और 1100 रुपीज़ का है ये छोटू वाला। बट ये फॉल्सीज का ऐसा इफेक्ट देगा ना, फॉल्सीज लगाना भूल जाओगे। ये इतना अच्छा मस्कारा है, लॉन्ग लास्ट बहुत करता है, आपकी आईज पे बहुत देर टिका होता है, क्लम्पी नहीं लगता, लैश को इफेक्ट देता है, लेंथनिंग देता है, वॉल्यूमनाइज करता है, मतलब एक मस्कारा में जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको सब कुछ मिलता है। इसका वॉन्ट मैं आपको दिखा दूँ, इतना बड़ा वॉन्ट है, देख रहे हो, अभी मैंने कोई भी लैशेज नहीं लगा रखी, बट ये कितना अच्छा फॉल्सीज का इफेक्ट दे रहा है। मेरी लैशेज तो काफ़ी थिन लगती हैं मुझे, लगाने के बाद बहुत ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेरा फेवरेट, सेकंड फेवरेट टॉपिक है जो लिपस्टिक, सेकंड फेवरेट या फर्स्ट फेवरेट, मतलब फेवरेट में आता है, वो है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में मैं वैसे बहुत ज़्यादा लिपस्टिक आप लोगों से सजेस्ट करती रहती हूँ, लिपस्टिक के ऊपर मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं, न्यूड्स हैं, पिंक्स हैं, रेड्स हैं, मतलब एवरी टाइम। यहाँ पर मैं दो लिपस्टिक को हाईलाइट करना चाहूँगी, ये है फील रेबल मूड 15, रेबल मूड 15 स्टे कोकी की मिनी लिपस्टिक। स्पेशली मैं शेड को कर रही हूँ, ये एक ऐसा शेड है जो अगर आप फेयर हो तो भी आप पे जाएगा और डीपर हो तो भी आप पे जाएगा, कुछ ब्राउनी सा है, पीची सा है, सॉर्ट ऑफ शेड है, प्यारा शेड है, एंड फॉर्मुलेशन भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्वाइट अफोर्डेबल, 250 और 299 समथिंग कुछ के, क्विट क्यूट सी लिपस्टिक है। तो आई थिंक आपको स्टे कोकी की इस वाली रेंज को ट्राई करना चाहिए। अभी रिसेंट में दे हैव लॉन्च्ड देयर अदर लिपस्टिक्स, लाइक मुझे एग्जैक्टली क्रेयॉन्स वाली छोटी मिनी लिपस्टिक्स भी, दे आर सो गुड। ओके गाइस, सो जो लोगों की क्वेश्चंस हैं, ऐसी कोई लिपस्टिक बताओ जो कि हमारे पूरे दिन हमारे होंठ पे रहे। बहुत सारी लिपस्टिक्स क्लेम करती हैं बट होती ही नहीं है, तो ट्राई दिस वन, हाँ अभी तक नहीं करी है तो जरूर करके देखो। ये है मेबिलिन की सुपर स्टे मैट इंक, इट सेज सुपर स्टे, इट मीन्स ये सुपर स्टे है। ये भी क्लेम करता है 24 आवर्स, बट 24 आवर्स ये जब भी रहेगी, जब आप कुछ खाओ पियो ना, मतलब पानी पी लो, दैट्स इट, ऑयली वगैरह कुछ खाओगे तो ये डेफिनेटली फेड होगी। बट क्या मज़े की लिपस्टिक है यार, कलर्स भी, ये कलर तो मुझे बहुत पसंद है, ये फाउंडर है 115। ये लिपस्टिक्स आप ट्राई कर लो, जो भी शेड आपको अच्छा लगता है, ये आपकी मोर देन 15 आवर्स आपके लिप्स पर रहती है। कुछ ऑयल वगैरह खाओगे या ऑयली खाओगे तो थोड़ा सा फेड होगी, बट कहीं नहीं जाने वाली, वहीं रहेगी तभी। एज ए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मेकअप स्किन केयर में नहीं आता, कुछ अलग है, और वो ये पैक का डुअल फोल्ड लिक्विड जेल है। सो ये मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, काफ़ी जगह पे यूज़ करती हूँ, आई थॉट आपके पास भी होना चाहिए। इसका एक दूसरा ब्रांड का भी आता है, आई एम नॉट श्योर कौन सा ब्रांड है वो, बट उसमें भी है ये डुअल करके। सो दिस इज बेसिकली आपका जो अगर यू नो जेल लाइनर है या फिर लिक्विड लाइनर है या फिर आपका कोई ऐसी पिगमेंट्स हैं जो कि ड्राई हो गए हैं, तो आप उसमें ये कुछ ऐड कर सकते हो, यू नो, और इस तरीके से आता है। अगर आप उसमें ये ऐड करोगे, आप वाटर ऐड नहीं कर सकते, आप ऑयल ऐड नहीं कर सकते, बट अगर ये ऐड करोगे, ये इसका फॉर्मूला ही ऐसा है कि उसको दोबारा रिवाइव कर देता है, जिंदा कर देता है, सो वो वापस नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। सो मैंने जेल लाइनर को काफ़ी बार माइक्रोवेव भी करके देखा, गर्म करके भी देखा, वो उस टाइम के लिए तो ठीक हो जाते हैं, फिर बाद में ख़राब हो जाते हैं, बट इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मैं अपने लाइनर्स वगैरह में इसे ऐड कर देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है ये आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ 800 रुपीज़ का है, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा दिन चल जाता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लश की बात करते हैं, द मोस्ट अफोर्डेबल ब्लश एंड न्यूली लॉन्च इन स्टे कोकी, दिस वन इट सेज 270 रुपीज़, बट डोंट वरी 200 से कम के अंदर ही मिलेगा। लुक एट दिस, इट्स ब्यूटिफुल गाइज, मैंने इस टाइम पे अपने फेस पे लगाया हुआ है, स्पेशली मैं इसी कलर को बोल रही हूँ क्योंकि पिगमेंटेशन तो आपको बहुत अच्छी दे रहा है। सी एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ पिगमेंटेशन ही दे रहा है,
ये आपके फेस पे अप्लाई भी बहुत स्मूथली होता है। और चिकी गर्ल्स ब्लश है ये, और मेरा शेड है आई थिंक चिकी गर्ल ही होगा ये शेड, मुझे एग्जैक्टली शेड याद नहीं है, बट या रोज स्टारलेट जो भी होगा शेड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये शेड बहुत प्यारा शेड है, ये शेड आप जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट आई शेडो छोटा सा पैलेट की बात कर रही हूँ मैं, ये निका के हैं, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी है। दे हैव ब्यूटिफुल पिगमेंटेशन, सी सी शिमरी एंड मैट, सब कुछ बहुत अच्छा है, परफेक्ट पैलेट्स हैं प्राइस रेंज पे। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आम कैफेन नेकेड एंड रॉ कॉफी बटर। रिसेंट में मैंने अपना बॉडी पॉलिशिंग के रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, दिस टाइम आई एम टेलिंग यू कि ये सच में बहुत अच्छा है। उस टाइम भी मैंने बताया था कि बहुत बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है एंड मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ। नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है ये, आपकी बॉडी को इतना इंस्टेंटली क्लियर एंड ब्राइट कर देता है, सारे डेड सेल्स रिमूव, स्किन इतनी सॉफ्ट एंड क्लीन एंड क्लियर, डर्ट रिमूव कर देगा, डेड सेल्स एंड ऊपर की जो भी लेयर होती है जिसकी वजह से टैनिंग लग रही होती है वो रिमूव कर देता है। एंड इसका बॉडी बटर, बॉडी लोशन एंड दैट ऑयल वो भी बहुत अच्छा है। मैं इसकी कंप्लीट रेंज भी दिखाना चाहती हूँ बट अदरवाइज मैं 20 प्रोडक्ट्स कैसे करती हूँ, इससे ज़्यादा करोगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ यही बोला। इसकी रेंज आप एंटायर रेंज ट्राई करके देखें, दे आर सो गुड। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट परफ्यूम, वैसे आई लव परफ्यूम, परफ्यूम का कलेक्शन जरूर देखिएगा शेयर किया हुआ है। तो ये एस्टे लॉडर, मैं स्टे बोलती हूँ एस्टे लॉडर, आई थिंक अभी भी स्टिल मैं रॉन्ग बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट मेकअप फ्रीजा हमेशा यू नो करेक्ट करती रहती है। सो इट्स एस्टे लॉडर सेंशियस परफ्यूम, माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। लुक एट माय रिंग लाइट, दिख रही है आपको? खैर अभी मेरी लाइट्स बहुत विजिबली आपको दिख रही होंगी। तो स्मेल सो गुड। सो यहाँ पे हमारे 20 प्रोडक्ट्स कंप्लीट होते हैं दैट यू गाइज नीड टू ट्राई, और इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज डू बाय, दे आर सो गुड, वर्थ बाइंग। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट, सो मेक श्योर मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दें, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ यू लाइक दिस वीडियो। एंड मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शायद अगर अभी ठीक हो जाए, व्हाट डू यू थिंक? सो या गाइज, बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू।